नंबर 32 ऑन डिवाइडिंग दिस एज वेल एज दिस बाय अ थ्री डिजिट नंबर n, वी गेट द सेम रिमाइंडर इन ईच केस. द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n इज कितने लोगों से हो गया ये क्वेश्चन? नहीं सर, मुझे भी डाउट था. ऑन डिवाइडिंग दिस एज वेल एज दिस बाय आवर थ्री डिजिट नंबर n, वी गेट द सेम रिमाइंडर इन ईच केस. अच्छा बताओ तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2272 इज इक्वल टू कुछ क्वेश्चन आएगा प्लस सेम रिमाइंडर r आ जाएगा, r1 q1 प्लस r1 लिख सकते हैं. सॉरी q1 टू n ना, n हाँ, n इनटू q1 मतलब पहला क्वेश्चन और रिमाइंडर r1 आ जाएगा प्लस r1 है ना. अच्छा ये 872875 तो क्या लिख सकते हैं, n इनटू n इनटू q2 प्लस r2. एक काम करते हैं इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दें क्या, इसमें से ये एन क्यू वन माइनस एन क्यू टू विल बी वन माइनस क्यू टू विल बी 12797 9 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
three digit number. So, अब क्या करना है बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट 1397 है, तो बताओ 1397 के फैक्टर बना सकते हो क्या? फैक्टराइज करो बताओ ना, फैक्टराइज करके बताओ. थ्री से डिविजिबल नहीं है, थ्री से डिविजिबल नहीं है, थ्री से डिविजिबिलिटी बताओ क्या होती है? वो सम थ्री से डिविजिबल होना चाहिए. टू से क्या इवन होता है? टू से भी नहीं, फाइव से. हाँ सर, फाइव के लिए टू इलेवन से इलेवन इलेवन से होगा. इलेवन से होगा, इलेवन से अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि n क्या होना चाहिए बताओ? n 127 होना चाहिए. हाँ सर, तो इसलिए 11 आएगा. Sorry, 10. Some of digit is 1 plus 2 plus 7 is 10. 10 is the answer. समझ आया क्या? Next, आगे बढ़ते हैं. और कौन सा डाउट है इसमें? इसमें बताओ और कौन सा डाउट है? नहीं सर. बाकी हो गए? नहीं सर. हाँ सर. अच्छा, कैसा लगे क्वेश्चंस, कैसे लगे इसके? ये हो गया, ये कर लिया है, ये आ गया है, ये हो चुका है. The expression this simplifies to. अच्छा 35 हो गया? हाँ सर. पर मुझे समझ नहीं रहा था वो कैसे करना. 35 कर लेते हैं.
क्वेश्चन दिस सिंप्लीफाइज टू आपका टेस्ट रेडी हो गया है ना, मेजर टेस्ट ये सब आएगा उधर, तो आप ध्यान से सीखोगे. द एक्सप्रेशन दिस सिंप्लीफाइज टू, अच्छा ये बताओ 12 प्लस 6 रूट 3 को इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 3, हाँ ये 4 नहीं है 3 है, 3 होगा इंटू रूट 3 लिख सकते हैं क्या, चेक करो. हाँ सर, ये क्या 3 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर. Similarly, 12 minus 6 root 3 कितना होता है? 3 minus root 3. 3 minus root 3 the whole square. 3 minus root 3 का whole square. अच्छा याद रखना कि under root x square कितना होता है? बताओ कितना होता है under root x square? X minus x plus x. एक्स आएगा पक्का. अच्छा मैंने एक्स को यदि मैंने 2 रख दिया तो अंडर रूट 2 स्क्वायर क्या 2 आ जाएगा? हाँ सर 2 आ जाएगा. मैंने माइनस 2 रख दिया, अब बताओ माइनस 2 का स्क्वायर क्या माइनस 2 आएगा? हाँ सर. बात कर रहे हैं अंडर रूट 4 की वैल्यू माइनस 2 होती है क्या? नहीं, तो आई लगाएंगे ना, तो ये नहीं होता है बेटा, ये रॉन्ग है, बाय द वे रॉन्ग केसेस है. तो होता क्या है कि ऐसे नहीं लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं यहाँ पे x की जगह मॉड x लगा देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू. याद रखना हमें आगे इससे पहले तुम्हारा x ही सीखा होगा, तो आप ये नोट लिख लीजिए, कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, अब आगे एक्स नहीं होगा ये मॉड एक्स होगा, चलेगा? एब्सोल्यूट. तो अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस रूट 3 और एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस रूट 3. तो बताओ कि रूट 3 बड़ा है, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, इसलिए आंसर डी है. तो ये आ जाएगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो मॉड एज इट इज हट जाएगा, तो 3 प्लस रूट 3 मतलब जो पॉजिटिव नंबर आएगा वो लेकर लिखना है, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट 3, तो ये प्लस 3 माइनस रूट 3, ये कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा. अच्छा आप देखो ये जो लिखा है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर मैं रूट 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, चेक कर इसमें कोई लिख सकते हैं. हाँ लिख, हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. कहा कि अंडर रूट ऑफ रूट 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर बोल दिया, लिख सकते. तो अब आप ये तो लिखोगे जैसे यदि रूट 3 माइनस 3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा. क्यों गड़बड़ होगा? कभी भी रूट नेगेटिव नहीं आता, ये हमेशा पॉजिटिव आता है. तो सही क्या होगा, सही लिखोगे रूट 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो आप इसको लिखोगे मॉड ऑफ रूट 3 माइनस 3. अब बताओ इसमें ये कैसा नंबर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है तो माइनस, तो हमारा आंसर 2 रूट 3 होगा. नहीं नहीं नहीं, देखो पॉजिटिव करना है इसको तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, नेगेटिव नंबर है रूट 3 माइनस 3, नेगेटिव नंबर है इसको पॉजिटिव बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ऑफ रूट 3 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट. तो अगेन आप देखो कि ये जो भी हो ये यहाँ पे वैल्यू उतनी नहीं आती 3 माइनस 3, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए चाहे इस तरह से. क्लियर हुआ क्या एब्सोल्यूट वैल्यू लेना ही लेना है? मेन प्रॉब्लम आ रही है एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप क्या करोगे, ये 2 ही आएगी ना, लेकिन इस 2 को पता कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ माइनस 2 लिखेंगे तब जाके ये 2 होगा.
कि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसको कुछ नहीं, इसको एज इट इज रख दो, पॉजिटिव है। देखो ये पॉजिटिव है तो ये एज इट इज है, यदि ये नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे यदि हमने ऐसा देखा कि रूट थ्री माइनस थ्री तो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो हमें इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ताकि ये पॉजिटिव हो, एब्सोल्यूट वैल्यू है। समझे क्या? देख लो बेटा, है ना, एग्जाम में आ सकता है। 37 हो गया क्या आपसे? नहीं हुआ, मैं डिस्कस करता हूँ कैसे कर लेते हैं। चलो कर देता हूँ इसको, है डिस्कशन में ले लेता हूँ। आप कह रहे हो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। देखो ये क्यूब रूट ऑफ 4 है, इसका क्या मतलब है? 4 की पावर 1/3, है ना? 4 की पावर 1/3। ऐसे ही फोर्थ रूट ऑफ 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 5/3। और ये नेक्स्ट है फोर्थ रूट ऑफ 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 3/1/4। देखो इस समय कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि सबकी पावर अलग अलग है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है बताओ? 4 की पावर 4 कर देता हूँ और यहाँ पे 1/3 × 4 कैसे कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। हाँ सेम सिचुएशन। तो ये कितना हो गया बताओ? 4 की पावर 4 कितना होता है? 56। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या होगा? 5/3 की पावर 1/12 आ जाएगा। 125 raised to 1/12। यहाँ पे देखो ये 4 है, यहाँ 3 और यहाँ 3, फिर से 3 की पावर 3 तो 27 raised to 1/12। ये कितना? 7 raised to 1/12। अब देखो सबकी पावर सेम हो गई ना, तो अब यहाँ पे डिसीजन लेना आसान है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा? क्या यही है? वर्ल्ड रूट 4 बताइए, उसके बाद फिर यहाँ वो वैसे ही 3 करेक्ट है, 4 5 3 ये 1 करेक्ट है, तो ये ए ऑप्शन ही हो जाएगा ना। एक और नोट, इस तरह की सिचुएशन को नोट कर लीजिए आप। मैंने ये लिखा कि 3 और ये 4 था ना, देखो यहाँ पे क्या ये चीज इसके इक्वल है? हाँ सर। ये यहाँ पे यदि देखें यही चीज, तो पता है ये क्या है? देखो 3 था ना, 3 और 4 था, मैं इसको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसकी पावर 4 करना पड़ेगा। ये समझा क्या? ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? देखो pth रूट ऑफ a इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a to the power n. नोट डाउन दिस फॉर्मूला, मतलब आप इस तरह से लिख सकते हो इनको। यू कैन प्रूव इजीली इफ यू विश, यू कैन प्रूव दैट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 हो गया क्या? हाँ सर, 38 का आंसर बी है। बी है, बी ऑप्शन। ओके, इसे वही देखना पड़ेगा। बताओ इसको डिस्कस करना है क्या?
नहीं सर समझ में आया नहीं। ये 41 हो गया 41 हाँ सर हाँ सर 41 आया क्या हाँ हाँ 42 सर मुझे 38 वाले डिस्कस करना है हाँ वेरी गुड यदि आपने नहीं पूछा ना आपका लॉस हो जाएगा आप पूछो बहुत इंपॉर्टेंट है बट आप टाइम दो उन पे फिर पूछो टाइम देने के बाद पूछोगे तो ज्यादा लर्निंग होगी अच्छा यहाँ पे हो क्या रहे अंडर रूट ये जो मैं अंडर रूट के है यहाँ पे एक चीज ऐसी आ रही है कि यदि कोई 3-5 जैसा नंबर आता तो मतलब कोई भी 3-5 जैसा नंबर आता तो यहाँ पे ये रूट 2 माइनस रूट 3 नहीं हटता तो यहाँ पे एक थिंकिंग आती है कि के मस्ट बी आ स्क्वायर के मस्ट बी आ स्क्वायर ऑफ समथिंग सो दैट कि अंडर रूट हट जाए मस्ट बी आ स्क्वायर मस्ट बी आ स्क्वायर स्क्वायर ऑफ समथिंग to remove underroot underroot हटाना है तो कुछ किसी का square होना चाहिए अब देखो ना तो ये दिख रहा है square अच्छा ये negative है तो ये square करेंगे तो हमेशा positive आता है मतलब यदि k किसी का square होगा तो positive आना चाहिए यदि 5 रखते हैं तो root 5 k की वैल्यू 5 रखे तो रूट 5 तो ये कुछ हटेगा नहीं रेशनल बनी है अब यही बच गया तो अब इसी को ही चेक करते हैं है ना तो यदि k इतना है 5 माइनस 2 रूट 6 तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 चलेगा तो क्या ये रूट 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है हाँ सर मैंने जबरदस्ती जान मुझ कैसे लिखा मैं रूट 3 माइनस रूट 2 लिख सकता था पर उसको माइनस करना पड़ेगा बाद में क्योंकि आपका पुराना वाला कंसेप्ट फिर से रिवर्स तो अब क्या करना है अंडर रूट के रखेंगे तो अंडर रूट ऑफ रूट 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ मॉड ऑफ रूट टू माइनस रूट थ्री अब ये नेगेटिव है नेगेटिव नंबर है तो क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ये क्या आ जाएगा रूट तो रूट थ्री माइनस रूट टू अब देखो यहाँ पे ये बोला जाएगा इसको रूट टू माइनस रूट थ्री और प्लस अंडर रूट के की वैल्यू कितनी आ गई रूट थ्री माइनस रूट टू आ गया क्या ये जीरो आ गया हाँ सर रेशनल है हाँ सर बस यही आंसर है ऑल्दो आंसर तो हम पहले ही निकाल चुके थे लॉजिकल वे में कि बी होगा बट ये सही तरीका है लीगल वे अच्छा है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अच्छा p is an integer p squared is equal to p then p is divisible by 3 this statement क्या ये always theorem है बच्चा ये theorem है समझा नहीं समझा क्या है ये theorem always theorem आप लीजिए नोट कर लीजिए this is a theorem कि p एक integer है जिसमें बोला गया कि p square 3 से divisible है तो p किससे divisible होगा 3 से मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर 3 लिया हुआ है यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है 3 की जगह एनी प्राइम नंबर ये सिर्फ प्राइम नंबर के लिए एप्लीकेबल है क्या हाँ कोई भी प्राइम ओके अरे डिजिटल प्राइम नंबर पे ही डिस्कस है ना अच्छा ये हो जाएगा 40 किया नहीं किया कर जल्दी सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर
कॉल कर लो फटाफट इसको। यस सर 40। क्या आया था बताओ आंसर, कुछ आया क्या? हाँ ए आया था। हाँ सर ए आया था। जिन लोगों ने नहीं किया वो देख लो किस तरह से डील करेंगे इसको। सिक्स्थ रूट ऑफ ए क्यू बी इनटू क्यू रूट ऑफ 4a² b² ठीक है। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, ये देखो सिक्स्थ रूट है इसका मतलब 8 ए क्यू बी की पावर कितना हो जाएगा 1/6 इनटू 4a² b² एक काम कर लेते हैं इस 1/6 से 1/3 तो काम नहीं बन रहा, तो मैं इसको 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा चलेगा। ऐसा करने से क्या होगा 8 a क्यूब b की पावर 1/6 और यहाँ पे कितना होगा 4² a स्क्वायर की पावर 2 ये 2 कर देता हूँ तो 4 b की पावर 4 कर देता हूँ और इसकी पावर 1/6 चलेगा की पावर 1/6 हो गया सबकी पावर 1/6 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 4² इंटू ए की पावर कितना आ जाएगा ए की पावर 7 इंटू बी और बी की पावर 4 बी की पावर 5 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ कर लिया क्या गड़बड़? अच्छा हाँ इधर 3 है ना, अच्छा ये 3 है 2 नहीं 3 है आ जाएगा बताओ यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे 2 होगा ये 6 हो जाएगा कितना आ जाएगा b की पावर कितनी आ जाएगी b और 6 ये 7 हो जाएगा की होल पावर।